देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज 8 मार्च है और इस महिला दिवस के मौके पर मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन में, यहाँ नया नगर परिसर में और मीरा रोड परिसर में जो महिलाएं सामाजिक फील्ड में अपना अच्छे से कार्य कर रही है, उन सभी महिलाओं का आज मीरा रोड के इस नया नगर पुलिस स्टेशन ने उन्हें बुलाकर उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया, मिठाइयाँ बांटी, केक काटे। आइए हम देखते हैं इस महिला दिवस के मौके पर नया नगर पुलिस थाने ने किस तरह से महिला दिवस मनाया, और साथ में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नया नगर पुलिस थाने के सीनियर PI कैलाश बरवे ने किस तरह से अपने भावनाओं को व्यक्त किया। आपको महिला दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा महिलाओं के प्रति मैं पहले से रिस्पेक्ट रखता हूँ, पहले से रखता हूँ, अभी नहीं पहले से, क्योंकि मेरे पिताजी हमें पढ़ाते थे, घर से हमें शुरुआत संस्कार अच्छे मिले, मेरे मम्मी डैडी ने संस्कार अच्छे दिए, लेडीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, टीचर लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे टीचर्स भी अच्छे थे स्कूल में, तो हम लोग अभी भी विक्रम टीचर है, सालवे टीचर है, आशु टीचर है, कामत टीचर है, सब लोग अभी भी हम लोग याद करते हैं, कुछ लोग है उसमें, लेकिन रिस्पेक्ट है। समय टीचर अभी भी जिंदा है, जब भी मुझे रस्ते में मिलती है समय टीचर, बूढ़ी हो चुकी है अभी समय टीचर, फिर भी मैं उसके पैर पड़ता हूँ, अभी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे ये गर्व नहीं बिल्कुल कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं जाऊँगा फिर कैसे पैर पड़ूँ, बिल्कुल पैर पड़ता हूँ, मुझे गर्व है, मुझे पैर पड़ता हूँ तो मुझे गर्व है। मुझे ऐसी महिलाएं मिली हैं जिनसे मैं अभी ये लेवल पे हूँ, मेरी मम्मी भी, मेरे पिताजी 86 में एक्सपायर हो गए, तो मेरी मम्मी ने हमें संभाला, मेरे हम तीन भाई एक सिस्टर है, तो सब जिम्मेदारी मेरे भाई के ऊपर है, फिर हम लोग भी जब से अभी इंस्पेक्टर बन गया है, मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ गई समाज के प्रति भी और घर के प्रति भी, तो ये दोनों बैलेंस करना पड़ता है। मेरे घर पे आज वुमेन्स डे ने, मेरे घर पे 365 दिन वुमेन्स डे, मेरी छोटी बच्ची है उसका हमेशा डिमांड रहता है, डॉटर्स डे भी रोज, डॉटर्स डे घर पे, डॉटर्स डे रोज, वुमेन्स डे भी रोज है, खाली हॉबी नहीं है, वो फॉर्मेलिटी है कि कल वुमेन्स डे तो कुछ लेना पड़ेगा गिफ्ट वगैरह, वो तो हमेशा चलते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस माहौल में हम लोग पढ़े, और पुलिस में आने के बाद में तो और जिम्मेदारी बढ़ गई कि महिलाओं के प्रति, जैसे मैं हर जगह पे नौकरी करता हूँ, तो मेरे एरिया में महिलाओं के अन्याय नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि मेरे एरिया में कम से कम, दुनियादारी का छोड़ दो, मैं नया नगर में हूँ तो नया नगर में महिलाएं सुरक्षित रहना चाहिए, अच्छे से घूमना चाहिए, ठीक है, ये मेरा हमेशा रहता है और इसी तरह से मेरी कोशिश रहती है। अभी भी जितने सारे प्रॉब्लम्स रहे, बहुत सारी महिलाएं मुझे अच्छी तरह से जानती भी, मैं हैंडल कर चुका हूँ मैटर्स, उन्होंने देखे भी किस तरह से मैं हैंडल करता हूँ, मेरा न्यूट्रल रहता है, पॉलिसी न्यूट्रल रहती है कि नहीं भाई अन्याय ना हो, और जहाँ तक तोड़ने की बात है हम लोग जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ना तो भविष्य के ऊपर है या नसीब के ऊपर है, लेकिन हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी भी बाहर महिला है, सैटरडे आज भरोसा सेल है, तो वो आई न्याय मांगने के लिए, फैमिली प्रॉब्लम रहते हैं, इधर की प्रॉब्लम ज़्यादा है, अपने मुस्लिम कम्युनिटी के प्रॉब्लम ज़्यादा है, हिंदू कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स कम है इसमें, लेकिन फिर भी उसमें हम लोग न्याय देने की कोशिश करते हैं। अभी अपने देश का माहौल देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार अन्याय बढ़ते जा रहे, बराबर, कम होने के नाम नहीं, तो महिलाओं ने सुधारना नहीं चाहिए, जेंट्स लोगों ने हमें नहीं सुधारना चाहिए, महिलाओं की कार्यशाला नहीं लेना चाहिए, जेंट्स लोगों की कार्यशाला लेना चाहिए, उनके मन में ये पैदा करना चाहिए कि किस तरह से लेडीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे बाजू में अगर एक लेडीज है, एक लेडीज मेरे बाजू में बैठी, तो उसको सिक्योरिटी लगना चाहिए कि नहीं मेरे बाजू में है मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरा दोस्त है, जो भी है XYZ, लेकिन उसको सिक्योरिटी लगना चाहिए कि मेरे साथ में कोई तो भी है। और महिलाओं ने भी आज महिलाएं हर जगह पे, कल्पना चावला ऊपर तक बेचारी जाके आए, आते आते बेचारी मर गई, लेकिन हमारा स्टेटस है, हमारा कैलिबर, हमारा पोटेंशियल ऐसा है कि हम लोग पुरुष के कंधे पे कंधे मिलाकर उसके आगे भी हम लोग जा सकते हैं, और आजकल है ऐसा सिचुएशन है, तो हमने पढ़ाई करना चाहिए, हम लोग पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से पोस्ट पे आएंगे, हम लोग पोस्ट पे आएंगे तो हमारा घर सुधरेगा, हमारा घर सुधरेगा तो हमारा सोसाइटी सुधरेगा, सोसाइटी सुधरेगा तो हमारा समाज भी सुधरेगा, हमारा जिला सुधरेगा, हमारा भारत देश सुधरेगा। इस तरह से हम लोग अगर अपनी भावना रखते तो 100% हमारा सबलीकरण हो जाएगा। प्रियंका चुप, डॉक्टर प्रियंका का मैटर हो गया हैदराबाद में, बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, उसके बाद में जो पुलिस वालों ने किया वो भी थोड़ा सा गलत ही हुआ है, कानून के दायरे में रहना चाहिए ये हम लोग मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक बाजू हो गई, दूसरी बाजू निर्भय की बाजू हो गई कि निर्भय के हत्यारे जो है अभी तक वो कुछ ना कुछ कानून का सहारा लेके टाइम पास कर, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर लेवल तक होना चाहिए, पॉलिसी क्लियर होना चाहिए कि नहीं, एक जैसे कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है
पोक्सो समझो या 376 समझो, जो भी महिलाओं की जो मैटर है उसमें लिमिटेशन है कि 60 दिन के अंदर में चार्जशीट जाना चाहिए, बरोबर। तो हम लोग जी जान कोशिश करके पूरा पूरा के साथ में हम लोग भेज देते हैं कि महिला के ऊपर न्याय नहीं, अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद में जो प्रोसीजर है वो टोटली गवर्नमेंट का या न्याय व्यवस्था के अंदर में आता है, तो वो कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम दिखता है। 2012 से लेकर दिसंबर 2012 से लेकर 2020 का दिसंबर आ रहा है, अभी भी निर्भय के आचार्य को फांसी नहीं मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज ए सिविलियन करके हमारे भी मन में ये होता है कि जो प्रियंका के हत्यारे के साथ में हुआ थोड़ा सा होना चाहिए। लेकिन फिर जब हम लोग राज्य घटना मानते, हमारे कानून व्यवस्था हम लोग मानते, तो ये भी गलत है। कानून के सहारे हमने लड़ना चाहिए, क्योंकि कसाब को पकड़ा गया तो कसाब को भी हमने रखा था, भारतीय कानून व्यवस्था ऐसी कि उसको जिंदा रखा था, फिर कानून जब उसको फांसी की सजा दी तब हमने उस फांसी की, तो कानून का भी हमने पालन करना चाहिए, आदर रखना चाहिए। महिलाओं के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग सब अपना जो शहर है अपना नगर है उसमें अच्छे तरीके से रहिए। अभी कोरोना का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, तो कोरोना के लिए अपने बच्चों के साथ में, अपने घर वालों के साथ में, अपनी सोसाइटी के साथ में उसका अवेयरनेस बढ़ाइए जरा, ताकि हम लोग जब महिला सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित है। मैं हमेशा मेरे पास में जो मैटर्स आते मैं इसमें ये बोलता हूँ कि तुम लोग महिलाओं को परेशान कर रहे हो, अगर महिला ही नहीं रहेगी तो तुम लोग कहाँ से रहो, सबको बोलता हूँ। जितने सारे मैटर आते हैं ये लेडीज रहती है, उसका हस्बैंड रहता है, बाकी सगे रहते हैं, मैं सबको बोलता हूँ महिला ही नहीं रहेगी तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे, तो उसका रिस्पेक्ट करो। ठीक है, गलत हो सकती है मानते हैं हम लोग, लेकिन उसका रिस्पेक्ट करो। ये सब मैं बोलता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के मैं मैटर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आज महिलाओं का दिन है, आप सब लोग मेरे पास में आए, टाइम निकाल के आए, कम से कम 2 घंटे से आप लोग वेट कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग आए इसके लिए बहुत सारे धन्यवाद, और आपको महिला दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।